Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में. तो ये है गुड वाइब्स का कैरेटिन नरिशिंग शैम्पू. इस प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. कुछ दिनों से मेरे वीडियोज बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, पर अब से मैं ट्राई करूँगी कि मेरे वीडियोज रेगुलर रहें. तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. तो अब स्टार्ट करते हैं. ये है गुड वाइब्स का कैरेटिन शैम्पू. और कैरेटिन तो आप सभी जानते ही होंगे, कैरेटिन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बालों के लिए. ये कैरेटिन होता क्या है? कैरेटिन एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो कि बालों में होता है, और इसके ही कारण बाल शाइनी नज़र आते हैं, बाल मजबूत होते हैं. पर पॉल्यूशन के कारण और धूप के कारण, ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण कि ये प्रोटीन कम हो जाता है और बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं. फिर हम कैरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, पर हर कोई कैरेटिन ट्रीटमेंट तो करवा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है. तो ऐसे में मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैरेटिन होता है. बहुत सारे शैम्पूज हैं जिनमें कैरेटिन होता है. बहुत सारे मास्क आपको मिल जाएंगे, हेयर ऑयल मिल जाएंगे जिसमें कैरेटिन होता है, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. जो शैम्पू है इसका की इंग्रेडिएंट है कैरेटिन, जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शाइनी बनाता है, वॉल्यूम देता है बालों को. और ये शैम्पू 3 साइज में अवेलेबल है. ये 300 ml का पैक है, 200 ml का पैक भी अवेलेबल है, 120 ml का पैक भी अवेलेबल है. इसका प्राइस 275 rupees है. क्योंकि ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है तो सिर्फ आपको पर्पल की साइट पे ही मिलेगा. पर्पल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए. और अभी बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं, क्रिसमस सेल चल रही है, तो आपको काफ़ी डिस्काउंट के साथ सारे प्रोडक्ट्स पर्पल पर मिलेंगे. तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए. पैकेजिंग की बात करें तो ऐसे पंप बॉटल में आता है, इसके सारे शैम्पूज ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं. 300 ml का ये पैक है. और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो की इंग्रेडिएंट इसका कैरेटिन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नेचुरल या हर्बल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी हैं. और पर ये जो शैम्पू है ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री ये शैम्पू है. ये जो शैम्पू है सारे हेयर टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम है, डल हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं और मैनेजेबल नहीं है आपके बाल, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं. अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें और ये शैम्पू क्या क्या क्लेम करता है, तो ये बालों को शाइनी बनाता है, नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, बालों को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, हेयर रिपेयर करता है, बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. तो ये सारे क्लेम ये शैम्पू करता है. अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है. तो जैसे कि आप शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, जैसे कि सारे शैम्पूज को यूज़ करते हैं, इसको भी वैसे ही यूज़ करना है. आपने गुड वाइब्स के सारे शैम्पूज में देखा होगा कि सेम वेरिएंट के कंडीशनर भी अवेलेबल है, जो कि और ज़्यादा अच्छा काम करने लगते हैं दोनों साथ में मिलके. पर इसके साथ ऐसा नहीं है, कैरेटिन का कोई भी कंडीशनर अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई दूसरा ही कंडीशनर यूज़ करना पड़ेगा. तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ कैसा रहा. तो मुझे इसकी एक अच्छी बात ये नहीं लगी कि इसका कैरेटिन कंडीशनर नहीं आता है, तो कोई दूसरा ही कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है, तो ये किसका माइनस पॉइंट है. और दूसरी बात, जब आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लोगे इसके बाद इसको यूज़ करते हो, तो इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी. अगर कम क्वांटिटी आप इसकी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से वो लेदर नहीं करता है, और आपको आपको ऐसा फील होगा कि बाल अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं या ऑयल निकला ही नहीं है. ये जो शैम्पू है इसकी अगर आप अच्छी क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. पर क्योंकि इसमें कैरेटिन है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि ये कुछ अलग से भी काम करेगा, कि 2-3 बार में ही आपके बाल शाइनी बना देगा और सिल्की लगेंगे आपके बाल. तो ये ऐसा कुछ काम अलग से काम नहीं करता है. जैसे नॉर्मली मैं शैम्पू और भी कोई शैम्पू यूज़ करती हूँ तो वो शैम्पू जितना काम करते हैं ये भी उतना ही काम करता है, अलग से कुछ भी काम नहीं करता है जितना कि इसको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैरेटिन है. तो अगर आप कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहते हो जिसमें कि कैरेटिन है, क्योंकि आपको फ्रिजी हेयर, डैमेज्ड हेयर का प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी कि आप ये सेंट बोटैनिका का
प्रो कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल, ये शैम्पू यूज़ करके देखिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब इससे तो अच्छा ही काम करता है। हाँ थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है, पर ये काम बहुत अच्छा करता है। इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये जो शैम्पू है ठीक ठाक काम करता है, अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस में जिसमें कैरेटिन हो वो शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कीजिए। पर मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गुड वाइब्स के और भी सारे शैम्पूज़ हैं, जैसे कि अभी मैंने रोज़ हिप शैम्पू का भी रिव्यू किया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसका जो शैम्पू है और कंडीशनर मिलके कमाल का काम करता है, और ऐसे ही बनाना शैम्पू भी इससे तो बेटर ही काम करता है। फिर एप्पल साइडर विनेगर, वो भी इससे अच्छा काम करता है। तो गुड वाइब्स के और भी सारे शैम्पूज़ हैं जो इससे अच्छा काम करते हैं, तो मैं बिल्कुल ही कहूँगी कि आप इसको परचेस करें। पर अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके छोटे पैक्स भी ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।